नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर पुलिस का शास्त्र पूजन संपन्न हुआ। पुलिस लाइन में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने राइफल और पुलिस वाहनों का पूजन भी किया। आपको बता दें कि शास्त्र पूजन की परंपरा हर साल मनाई जाती है। इस मौके पर पहले माँ दुर्गा का हवन पूजन किया जाता है, इसके बाद शास्त्र और पुलिस के वाहनों का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही एसपी ने राइफल से हवाई फायर कर विजयदशमी का पर्व मनाया। हालांकि एसपी ने कामना भी की है कि कभी ऐसी स्थिति ना बने कि इन हथियारों का इस्तेमाल करने की नौबत आए। शास्त्र पूजा में कलेक्टर करवीर शर्मा भी शामिल हुए। पुलिस लाइन में हुए इस पूजन समारोह में पुलिस से सभी अधिकारी और पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। चंद्र बदननी को भैया जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर। हाथ लगा ले, हाथ लगा ले। ये बस बढ़िया जी। आज दशहरा के उपलक्ष में ट्रेडिशनली पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन रखा जाता है, जिसमें शस्त्रों की पूजा और साथ वाहनों की पूजा होती है। शस्त्र और वाहन पुलिस विभाग के एक अभिन्न अंग के रूप में है, जिससे लेकिन मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि शस्त्रों का उपयोग कभी पुलिस को रियल लाइफ में ऐसी स्थिति ना बने कि हमें इसका उपयोग करना पड़े। लेकिन आज अच्छे से यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी सब शांति बहाल रहे और जोधपुर पुलिस का सुचारू रूप से अच्छे से कानून व्यवस्था बनाए रखे। सर विजयदशमी का पर्व भी है, ठीक है। आज विजयादशमी का पर्व है। मैं सर्वप्रथम पूरे जबलपुर जिला वासियों को और आप सभी के माध्यम से सभी लोगों को विजयादशमी की शुभकामना देना चाहूँगा। आज पुलिस लाइन में जो शस्त्र पूजन और जो वाहन पूजन की जो परंपरागत पूजा होती है, उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला है और ये प्रतीक है कि ये शक्ति का प्रतीक है और शासन ये शक्ति का प्रयोग हम लोग जनता के हित में, जनता की सुरक्षा में और मानव कल्याण के लिए करें, ऐसी हमारी अभिलाषा है। और मैं आप सभी लोगों को और आपके माध्यम से पूरे जिले वासियों को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।